और जाने वाले आजा, तेरी याद सताए और यादों का घिर गरौंदा कहीं टूट न के पास लक्ष्मी मैया पार्वती और ब्रह्माणी के पास और कहने लगे कि इस आकाश में पाताल में और इस मृत्युलोक पर मैंने सभी को देखा है, पर सती अनसुईया जैसा पतिव्रत धर्म नहीं देखा है। मैंने तीनों लोकों में विचरण करके देखा है पर सती अनुसुईया जैसी कोई पतिव्रता नारी नहीं देखी। ऐसा कहा तो तीनों देवियां सोचती थी कि मैं सबसे बड़ी संसार में पतिव्रता हूं, देवी हैं, लेकिन इन्होंने तो आज शक्ति सती अनुसुईया को बता दिया। तो उन्होंने कहा कि जरूर वो सती अनुसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। क्या किया तीनों देवियों ने, अपने अपने पतियों से कहा, ओ जा सजना जा परीक्षा ले आ, सजना जा परीक्षा ले आ, जाओ 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 मेरे प्यारे सर जाओ, जाओ 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 मेरे प्यारे सर जाओ, लाओ 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 परीक्षा परीक्षा लेकर आइए। तो त्रिया हट, बाल हट और राज हट, ये तीन हट ऐसी होती हैं हर किसी को मानना पड़ता है, भगवान को माननी पड़ी तो आम इंसान की क्या बात है। तीनों देवताओं ने क्या किया, साधुओं का भेष बना लिया और चल दिए सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। तीनों देव चल दिए सती घर आए, मुझे भोजन का वक्त कराइए और वो भी किस अवस्था में, नगिन होकर के भोजन कराइए, होकर नगिन हे माता मुझको भोजन खिलाओ, होकर नगिन हे माता मुझको भोजन खिलाओ, लाओ 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 परीक्षा। जब कहा कि मुझे निर्वस्त्र अवस्था में नगिन होकर के भोजन कराइए तो सती अनुसुईया समझ गई ये कोई साधारण साधु नहीं है, साधुओं के वेश में परमपिता परमेश्वर हैं। मैया ने क्या किया, सती ने पति चरण